पेज नंबर 26, द न्यू फैरोज प्रोमोटेड एमेनहोटेप फोर्थ जो था उसके लिए यूज़ हुआ है, नए राजा ने प्रोमोटेड प्रोमोट किया द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क यानी सन गॉड एटेन, इजिप्त में सूर्य भगवान को एटेन के नाम से बोला जाता है। चेंज्ड हिज नेम, ये उसने क्या किया, एटेन गॉड की पूजा को प्रमोट किया कि इसकी पूजा कीजिए। और सेकंड काम इसने क्या किया, चेंज्ड हिज नेम टू अकेहेंटेटन, ये नेम उसने अपना बदला जिसका मीनिंग है सर्वेंट ऑफ द एटेन, एटेन का सर्वेंट यानी उसका अवतार कह सकते हैं हम। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, तीसरा चेंज क्या किया, पहला चेंज एटेन गॉड की पूजा को बढ़ावा दिया, अपना नेम भी बदल दिया कि मैं उस गॉड का अवतार हूँ, और तीसरा चेंज इसने किया रिलीजियस कैपिटल जो धार्मिक राजधानी थी उसको चेंज कर दिया, बदल दिया, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थिबेज टू द न्यू सिटी ऑफ एक्टेटन, यहाँ उसने चेंज कर दिया रिलीजियस कैपिटल। आप नेम ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, केवल ये कहेंगे ही चेंज्ड द कैपिटल रिलीजियस कैपिटल नोन नाउ एज अमारना, अमारना के नाम से आज प्रचलित है। ही फर्दर सोक्ड, और आगे उसने सबको सदमे में डाल दिया, हैरान कर दिया द कंट्री बाई अटैकिंग अमुन अ मेजर गॉड, वहाँ एक प्रसिद्ध गॉड था, देवता था अमुन, उस अमुन पर अटैक करके यानी उसके मंदिरों पर अटैक करके सबको अचंभित कर दिया, अचंभे में डाल दिया। स्मैशिंग, तोड़ दिया हिज इमेजेज उसकी मूर्तियों को, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स उसके मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, अवश्य ही डरावना टाइम ये रहा होगा, सेड रे जॉनसन डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, इन्होंने कहा कि सबको इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। द साइट ऑफ एंशियंट थिबेज, ये जॉनसन के बारे में बताया है, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, उस परिवार ने जिसने कि शताब्दियों तक शासन किया वॉज कमिंग टू एन एंड, अब उनका समाप्ति पर था उनका परिवार। एंड देन अकेंटेन वेंट अ लिटल वैकी, थोड़ा सा सन की स्वभाव का हो गया ये व्यक्ति। नेक्स्ट, आफ्टर अकेंटेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रहस्यमय रूलर नेम्ड समेनकर अपीयर्ड ब्रीफली, कुछ समय के लिए आया, एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, कैसे उसकी डेथ हुई, कैसे वो कहाँ चला गया, ये रहस्य ही रहा। एंड देन, और यानी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, अब टूट के बारे में है, कितने साल उसने शासन किया और क्या कुछ उसने चेंजेस अपने शासन में किए। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखाटिन टुक द थ्रोन, थ्रोन का मतलब सिंहासन उसने लिया, द किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, जिसके नाम से वो आज जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, सबसे पहले काम इसने क्या किया, उसने अपना नाम चेंज किया, टूटनखामन यानी लास्ट के वर्ड देखेंगे टी ई एन की जगह उसने एम यू एन रख दिया, नेम में कितना चेंज किया, टी ई एन की जगह एम यू एन कर दिया, क्यों किया चेंज, लास्ट के चार लेटर यदि देखे तो ए एम यू एन अमुन यानी गॉड का नेम है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, और उसका मीनिंग क्या था,
अमून गॉड की लिविंग इमेज यानी उसका अवतार, कि मैं अमून गॉड का अवतार हूँ। एंड ओवरसा ए रेस्टोरेशन टू द ओल्ड वेज, पुराने काम पूजा उनको दोबारा से स्टार्ट उसने करवा दिया, यानी कि पुराना टाइम वापस ले आया, रेस्टोरेशन वापस लाना, पुराने समय को वापस ले आया। ही रिजन्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, रिजन्ड यानी उसने शासन किया, 9 साल तक शासन किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब उसकी डेथ हो जाती है, यानी जिसकी कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, आशा नहीं की थी। 9 साल तक इसने शासन किया, अपना नेम चेंज किया, अमून गॉड की पूजा को बढ़ावा दिया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, उसके भाग्य के बारे में जो अंदाज़ा लगाया गया और उसकी प्रसिद्धि के छोड़कर, टट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्त, टट की मम्मी बाकी इजिप्त में जो अदर मम्मीज पाई गई हैं उनमें से एक है। हाउ मैनी, अब इजिप्त में कितनी मम्मीज मिली हैं उनके बारे में बता रहा है, उसके फैमिली के बारे में बता चुका है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, द इजिप्तियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003 में जो स्टार्ट किया गया था, इन चीज़ों को लिस्ट बनाने के लिए कितनी मम्मीज फाइंड आउट होती हैं, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, अब तक 600 मम्मीज मिल चुकी हैं, एंड इज स्टिल काउंटिंग, अभी गिनती बढ़ी रही है। द नेक्स्ट फेज, अगला पक्ष, स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन, अब इसमें नेक्स्ट थिंग अप्लाई हो गई है कि अब सीटी स्कैन किया जाने लगा है मम्मीज का, और वो मशीन किसने दी थी, डोनेटेड बाय दी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, इस सोसाइटी ने, इस संस्था ने उसको डोनेट किया था सीटी स्कैन मशीन मम्मीज़ को स्कैन करने के लिए। इट्स मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर था सीटी स्कैन मशीन का, उसने डोनेट की थी। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड, और सबसे पहली मम्मी जिसको सीटी स्कैन किया गया वो था टट की मम्मी। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली ए हेड ऑफ हिज कंट्री मैन, अपने कंट्री मैन के बीच में जब वो जीवित था तब भी और मरने के बाद भी, रेगली एक रॉयल मैनर से, शाही ढंग से वो आगे बढ़ रहा था, यानी मरने के बाद भी, इतने सालों बाद भी वो वहाँ पर फेमस था, सीटी स्कैन उसका किया जा रहा था। अ सीटी मशीन स्कैंड द मम्मी हैड टू टॉय, अब सीटी स्कैन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, उसने कैसे क्या किया, स्कैन किया उसको हैड टू टॉय, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस उसने ली इन क्रॉस सेक्शन हर वे से, टट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, टेक्स ऑन इरिक डिटेल्स, इरिक्स का मतलब स्ट्रेंज डिटेल लेकर के आया, इन रिजल्टिंग इमेज विद टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, कौन कौन शामिल था सीटी स्कैन के दौरान, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटोमी, 3 लोग शामिल थे, बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स, सीक्रेट बताना उन्होंने स्टार्ट किया, दैट द विंग्ड गोडेसिस, पंखों वाली देवी ऑफ ए ग्लेडिड ब्यूरियल, उस ब्यूरियल यानी जहाँ पर दफनाया गया था, श्राइन प्रोटेक्टेड सो फॉर
फॉर सो लॉन्ग। अब तक जिसकी पंखों वाली देवी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, उसके बारे में इन लोगों ने उसके रहस्यों को बताना स्टार्ट किया। दैट नाइट ऑफ द स्कैन, स्कैन के नाइट, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम्ब। कुछ लोग जो काम करने वाले थे वो टट को उसके मकबरे से लेकर आए। इन हिज बॉक्स, लाइक पाल बीरर्स, कंधे पर उठाने वाले जो लोग होते हैं किसी भी डोली को या अर्थी को, उसको पाल बीरर बोलते हैं। पाल बीरर की तरह दे क्लाइम्ड अ रैंप, रैंप पर चढ़ते हुए, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, इनटू अ स्वीरलिंग सैंड आउटसाइड, स्वीरलिंग सैंड रेत के धूल के बवंडर के बीच जो बाहर घूम रहे थे। देन रोज ऑन अ हाइड्रोक्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट से होते हुए, इनटू द ट्रेलर, उस ट्रेलर में ले आए, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर टू मैन एमर्ज्ड मीन्स केम आउट, दो मैन बाहर आए, स्प्रिंटिंग भागते हुए, फॉर एन ऑफिस नियर बाई, ऑफिस की तरफ, एंड रिटर्न्ड विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, दो प्लास्टिक फैन लेकर आए वो। क्या रीज़न था, 20 मिनट के बाद ऐसा क्या हुआ था? द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट, क्विट होना, रुक जाना, बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, जो सिटी स्कैन के अंदर कूलर फैन था वो मिट्टी की वजह से बंद पड़ गया था। कर्स ऑफ द फैरो, उस राजा का साप, जॉग्ड अ गार्ड नर्वसली, बेचैन होते हुए एक गार्ड ने जो वहाँ खड़ा था उसने कहा कि टट की बॉडी को डिस्टर्ब करने का नतीजा है कि सीटी स्कैन मशीन को उसने बंद कर दिया, ऐसा उसने अपने व्यू रखे। पेज नंबर 27, इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस, यानी जो दूसरे फैन वहाँ पर वो लेकर आए, उस टाइम तक अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पर जो फैन वहाँ पर लाए गए थे, वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, प्रोसीजर फिनिश होने तक उन्होंने अपना काम जारी रखा, वो सही काम करते रहे। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, कि सब कुछ डाटा सही है ये जांच करने के बाद, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, वर्कमैन को उसकी मम्मी को वापस सौंप दिया, हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, वापस उसकी टॉम्ब में, मकबरे में ले गई। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, उसके ताबूत से 3 घंटे पहले उसे निकाला गया था, 3 घंटे से पहले के टाइम में ही उसे वापस वहीं पर वापस भेज दिया गया। द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस, आराम कर रहा था, वेयर द फनरेरी प्रीस्ट, जहां पर अंतिम संस्कार के समय पर जो पादरी लोग थे, प्रीस्ट लोग थे, हैड लेड हिम, जहां उन्होंने उसे लेटाया था, सो लॉन्ग एगो, इतने समय पहले, यानी 3300 साल पहले, जहाँ पर उसे लेटाया गया था वहीं वापस उसे रख दिया। 3 घंटे से कम टाइम में ही सीटी स्कैन करके वर्कमैन उसे वापस वहीं पर ले जाकर उसे रख दिया। बैक इन द ट्रेलर, और ट्रेलर में क्या कर रहे थे साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ए टेक्नीसियन पुल्ड अप एस्ट्रोनाइजिंग, हैरान कर देने वाली इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, उन्होंने देखी। एक्सरे का रिजल्ट क्या रहा वो इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, स्कैटरिंग बिखरी हुई पिक्सल से ग्रे हेड सामने आया, यानी हेड की पिक्चर दिखाई दी, मेन पॉइंट आप यही बताओगे। एंड द टेक्नीशियंस स्पन, और उसके बाद टेक्नीशियंस ने क्या किया, स्पन का मतलब मूव्ड इन ए सर्कल,
किसी चीज़ को घुमाया, और टिल्टेड झुकाना किसी चीज़ को, घुमाया और फिर उसको झुका दिया एक तरफ पिक्चर्स को क्लियर करने के लिए, इन एवरी डायरेक्शन, यानी ग्रे हेड उनको दिखाई दिया। नेक्स्ट चेंज नेक वर्टिब्री, नेक बोन, गर्दन की हड्डी दिखाई दी, अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटोमी क्लास। एनाटोमी शरीर विज्ञान की जो क्लास होती है, जहाँ शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही बिल्कुल क्लियर नेक बोन दिखाई दी। दूसरा सीटी स्कैन का रिजल्ट नेक बोन दिखाई दी। अदर इमेजेस रिवील्ड, रिवील का मतलब शो करना, ए हैंड, हाथ नज़र आया, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, रिब केज के कई व्यू नज़र आए, एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल ट्रांसेक्शंस का मतलब तिरछे कट, स्कल खोपड़ी के, यानी स्कल नज़र आई। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब जो प्रेशर था, दबाव था, वो कम हो चुका था। सीटिंग बैक इन हिज चेयर जाई हवा स्माइल्ड, जाई हवा जिसने सीटी स्कैन किया था मुस्कुराया, विजिबली रिलीव्ड, राहत की सांस ली उसने, दैट नथिंग हैड गोन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, राहत की सांस ली। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड ही सैड, उसने कहा लास्ट नाइट ई कुड नॉट स्लीप, आई वॉज सो वर्रीड, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। ये इस टाइप की पिक्चर वहाँ दीवार पर बनी हुई थी, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी को रखा हुआ था। लास्ट पेज, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जब हमने ट्रेलर को छोड़ दिया, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स से नीचे उतरते समय, टू द सैंडी ग्राउंड पर, द विंड हैड स्टॉप्ड, तब तक हवा रुक चुकी थी। जैसे ही उसकी बॉडी को ताबूत से ले जाया गया, मकबरे से बाहर निकाला गया, तेज़ हवा चलने लग गई थी, और जब उसको वापस रखा गया, हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, ठंडी हो चुकी थी हवा, एंड स्टिल, और रुक चुकी थी, लाइक डेथ इट्सेल्फ, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस घाटी में, जहाँ पर के, यानी मृत लोगों की घाटी में, जस्ट अबोव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, जहाँ पर मकबरा बना हुआ था इस टट का, उसके एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर कौन खड़ा हुआ था? ओरियन, यानी कि मृग तारा जिसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन ये भी होता, तारों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, दैट द एंशियंट इजिप्टियंस न्यू, प्राचीन इजिप्त के लोग जिनको मानते थे, एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मरने के बाद जो गॉड होता है उसके रूप में, वो वहाँ वॉचिंग ओवर द बॉयज़ किंग, उस बॉय किंग को देख रहा था, यानी कि प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर वो तारा दिखाई दे रहा था, जिस तारे को मिस्र में, इजिप्त में मौत का देवता मानते हैं, मौत के बाद का देवता मानते हैं, वो वहाँ पर जैसे कि निगरानी कर रहा हो टट के डेड बॉडी की, उसके मकबरे की, ऐसा दिखाई दे रहा था। तो ये आपका चैप्टर था, इसको आप इस प्रकार से पढ़ोगे कि जैसे हम डिस्कवरी में कुछ देख रहे हैं, कैसे एक मम्मी मिलती है, उसके साथ क्या कुछ सामान मिलता है, फिर कौन कौन उसके साथ क्या क्या करता है, एक्सरे करता है, सीटी स्कैन करता है, एक्सरे का रिज़ल्ट क्या है, सीटी स्कैन का रिज़ल्ट क्या है, उसके बाद भी और अच्छे से समझने के लिए हम जो क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, तब ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके सभी पार्ट्स, 3 और 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को रखा गया है, सभी पार्ट्स आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।